व्हाट्सअप यूट्यूब, स्वागत है आप सबका इस चैनल की 6th वीडियो में। एंड आज का हमारा विजिट होने वाला है टू वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स पर। सो अभी हम जा रहे हैं हमारे घर के सबसे पास वाले मेट्रो स्टेशन, दैट इज GTB नगर मेट्रो स्टेशन। बट जब तक हम स्टेशन पहुंचते हैं तब तक इंजॉय सम इन्फॉर्मेटिव सेक्शन ऑफ द प्लेस वी आर विजिटिंग, द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। मेहरौली, नोन एज कुतुब कॉम्प्लेक्स एरिया, होल्ड्स दिल्ली's अर्लीस्ट फोर्टिफाइड सिटी लाल कोट, बिल्ड बाय तोमर राजपूत इन 1060 AD। The remaining traces from this time are the fort walls and the iron pillar, possibly relocated by Tomar kings. The Chauhan dynasty took over from Tomars in 12th century. The last ruler, Prithviraj Chauhan, expanded Lal Kot into Kilai Rai Pithora, a small fortress with 8 km perimeter and 28 gates. Today, only 3 gates and some wall exist. The site where Qutub Minar stands now once had 27 Hindu, Buddhist and Jain temple, forming impressive structures during that era. The Turks invaded the city of Lal Kot in 1192 AD, and these temples were destroyed as an act of war, and their pillar used to build Delhi's first mosque, the Quaid-ul-Islam Mosque, in 1192 AD. This structure is a masterpiece of Indo-Muslim art and once one of the oldest mosques in India. Its oldest portions were built using pillar from the temple built by Rajput, but it underwent 2 phases of further expansion in 1230 and in 1300 AD. सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल स्टॉप पर। एंड बात करें अगर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन टू कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की, तो इट्स कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन ऑन येलो लाइन। एंड यहां से एग्जिट लेने के बाद यू कैन टेक शेयर्ड ऑटो टू कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, विच विल कॉस्ट यू 20 rupees पर हेड। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के पास, एंड राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट टिकट काउंटर जो है एग्जैक्टली अपोजिट टू एंट्री पॉइंट ऑफ कुतुब मीनार। सो फटाफट से टिकट परचेज करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज की साइट सीइंग। बात करें अगर टिकट प्राइस की, सो फॉर फॉरेन टूरिस्ट इट्स अबाउट 600 rupees इन कैश फॉर्म एंड 550 rupees इन फॉर्म ऑफ ATM और डेबिट कार्ड। फॉर इंडियन टूरिस्ट इट्स अबाउट 40 rupees इन कैश फॉर्म एंड 35 इन फॉर्म ऑफ ATM और डेबिट कार्ड। सो आफ्टर परचेजिंग आर टिकट्स वी आर हेडिंग टूवर्ड्स एंट्री गेट ऑफ कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। सो गाइज, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है हमारा आज का साइट सीन ऑफ वेरियस मॉन्यूमेंट्स इन कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। एंड वी विल बी फॉलोइंग दिस मैप इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इल्तुतमिश एक्सटेंशन टू अलाई दरवाजा टू टूम्ब ऑफ इमाम जमीन एंड सो ऑन। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स अलाई दरवाजा, बट उससे पहले वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दीज एल शेप रेक्टेंगुलर हॉल्स विच आर इल्तुतमिश एक्सटेंशन। In these clips, you can see the interior of Iltutmish extensions. यहाँ से कुतुब मीनार का व्यू कुछ इस तरह दिखता है। सो इफ यू आर इनटू प्रोफेशनल फोटोग्राफी और लव क्लिकिंग पिक्चर्स, देन दिस इज वन ऑफ मेनी स्पॉट्स वेयर यू कैन गेट सम गुड शॉट्स। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स आवर फर्स्ट साइट, दैट इज अलाई दरवाजा। कुवैत उल इस्लाम मॉस्क का जो सदर्न गेट पे है, उसी को हम अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं, जिसे खिलजी ने बनाया था जब कुवैत उल इस्लाम मॉस्क का सदर्न एक्सटेंशन हो रहा था। कुवैत उल इस्लाम मॉस्क को बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसे नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में एक्सटेंड करा था इल्तुतमिश ने, एंड फर्दर अलाउद्दीन खिलजी ने एक्सटेंशन को कंटिन्यू रखा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में, बट ऑल्सो इन ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग विद 4 गेटवेज। ऑल दीज गेटवेज एक्सेप्ट अलाई दरवाजा ऑन सदर्न साइड हैज फॉलन डाउन। अलाई दरवाजा इज अ मैग्निफिसेंट स्क्वायर डोम्ड बिल्डिंग विद इंट्रिकेट कार्विंग इन रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर pointed horseshoe shaped arches, squinches, lotus bird fringes of the arcs. Saint Imam Muhammad Ali, better known as Imam Zamin, was native to Turkestan who came to India during the reign of Sikandar Lodi. Apparently, he discharges some important duties in connection with Kuwait-ul-Islam Mosque. The tomb was built during the reign of Mughal Emperor Humayun
Although this building was built in early Mughal period, it exhibit all the typical characteristics of Lodhi style of construction. So, अब हम चलते हैं हमारी आज की थर्ड साइट पे, दैट इज कुतुब मीनार। कुतुब मीनार हमारी इंडिया का टॉलेस्ट स्टोन टावर है, जो बनाना स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने एज अ टावर ऑफ विक्ट्री, बट सिर्फ फर्स्ट फ्लोर। जो सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर थे वो कंप्लीट करा था इल्तुतमिश ने, एंड द फिफ्थ फ्लोर वॉज मेड बाय फिरोज तुगलक, मेकिंग इट द फाइव स्टोरीड स्ट्रक्चर। लेटर ऑन इन 1503 सिकंदर लोधी ऑल्सो कैरिड आउट स्टोन रिस्टोरेशन इन अपर स्टोरीज। तो अब बात करते हैं कुतुब मीनार के डायमेंशंस की। तो बेस पर जो डायमीटर है वो है 46 फीट का, एंड जो टॉप पर है वो है 9 फीट का। बात करें अगर इसकी हाइट की तो इट्स 238 फीट एंड 379 स्टेप्स, मेकिंग इट द हाईएस्ट स्टोन टावर इन इंडिया। बट इट्स हाइट इज 5 फीट लेस देन ताजमहल, विच इज 243 फीट। So, अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स खिलजी टूम एंड मदरसा, बट बिफोर दैट यू कैन सी दीज एक्सटेंशंस ऑफ कुवैत उल इस्लाम मॉस्क बाय इल्तुतमिश एंड द गेटवेज व्हिच हैव फॉलन डाउन, एंड एज आई सेड द ओनली एग्जिस्टिंग वन एज ऑफ नाउ इज अलाई दरवाजा, व्हिच इज गेटवे इन साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ कुवैत उल इस्लाम मॉस्क। अगर हम इन पैसेज पर एक क्लोज अप ऑब्जर्वेशन देखें तो वी कैन लिटरली सी सम ऑफ द रिमेन्स ऑफ हिंदू, जैन एंड बुद्धिस्ट टेम्पल्स। In these clips, you can see interior of Iltutmish extension on left side and intricate carvings on the wall of gateways on right side. This is the view of Qutub Minar from the backside of these fallen gateways. And I guess video ke thumbnail ke liye best hai, but let's see if we can get some more. As we have decided to cover each and every site of Qutub complex. But baat kare agar aaj ke weather ki, to right now it's 35 degrees Celsius and 58% humid. जो स्पेशली इन लोकेशंस के लिए थोड़ा रफ साइड पे फील होता है। तो अभी चलते हैं गार्डन में टू गेट सम रेस्ट एंड हाइड्रेशन, देन कंटिन्यू करते हैं आज की जर्नी टुवर्ड्स खिलजी टूम एंड मदरसा। मैं ठीक आ रही हूँ यार, आज बहुत गर्मी है। So after crossing extensions of Kuwait al Islam Mosque, we are heading towards Khilji's tomb and Khilji's Madrasa. So, on your left side, you can see Khilji's tomb and exactly samne hai Khilji's madrasa. Madrasa is an Arabic word for any type of educational institution, secular or religious, whether for elementary education or higher learning. जो ये मदरसा है ये बनाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने in 1315, and the tomb of अलाउद्दीन खिलजी is located in the central room of the southern wing of L-shaped madrasa in Qutub Minar complex, Delhi. It is located southwest of Qutub Minar and Kuwait ul Islam Mosque. So, अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स टूब ऑफ इल्तुतमिश, बट उससे पहले हमें रास्ते में मिलता है यहाँ का ग्रेवयार्ड सेक्शन। सो गाइज, अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स टूब ऑफ इल्तुतमिश, जो पड़ता है रिकंस्ट्रक्शन साइट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ कुवैत उल इस्लाम मॉस्क के एग्जैक्टली पीछे। The tomb of Iltutmish, who is successor and son-in-law of Qutubuddin Aibak, was built about 1235 AD by Iltutmish himself. This is a landmark Indo-Islamic architecture. बात करें अगर इसके एरिया की तो इट्स 9 स्क्वायर मीटर। द सर्कुलर डोम वॉज कैरिड ऑन द स्क्विंचेस आर्चेस विच सर्व टू नेगोशिएट द डिफरेंस इन द शेप बिटवीन द स्क्वायर प्लान बिलो एंड द सर्कुलर अबव।
इट इज ऑल्सो बिलीव दैट द ओरिजिनल डोम हैड फॉलन एंड वॉज रिप्लेस बाय फिरोज शाह तुगलक बट इवन दैट डिड नॉट सर्वाइव. The tomb is carved on the entrances and the interior with inscription in Kufi and Nusk character and geometric and arabesque pattern in Saracenic tradition. So guys, अब हमारे सामने है हमारी आज की second last site that is Alai Minar. The unfinished Alai Minar was named after Alauddin Khilji, who had doubled the size of Quwait-ul-Islam Mosque and had started the construction of another minar twice the size of Qutub Minar. But because of his death, the construction of the tower could not be completed. Amir Khusro in Tariq-e-Ilahi mentioned about the intentions of Alauddin Khilji to increase the area of the mosque and the construction of another minar. So guys, I have tried capturing Qutub Minar from different perspective, but trust me guys, this is by far the best view of Qutub Minar from Alai Minar. So, अब हम चलते हैं हमारी आज की लास्ट साइट पे, दैट इज Quwait-ul-Islam Mosque एंड आयरन पिलर. After Islamic conquest at the end of 12th century, Quwait-ul-Islam Mosque was the first mosque to be built in Delhi. Founded by Qutubuddin Aibak, the mosque acquired its first set of boundary over the remnants of 27 Hindu and Jain temples that were demolished deliberately as an act of war to establish the power of Ghurid Turk rule in Delhi. The mosque was extended after Aibak's death by Iltutmish in year 1230. These extensions reveal an apparently maturity in both design and detailing, being stylistically more geometric than the ones erected during Aibak's rule. Further addition by Alauddin Khilji in the larger part of his reign led to substantial expansion of the mosque and other distinct structure within the entire complex. The colonnades possibly served as temporary shelters, and the double-story enclosure along the corners seemed to have exclusively served the royalty and perhaps more particularly the women's for both independent and community prayers. So what you are seeing standing at the center of Quwait-ul-Islam Mosque, the Iron Pillar, an intriguing piece, a marvel of architecture and traditional knowledge, with its austerity and natural brilliance, has never ceased to amaze archaeologists, metallurgists, academicians and of course tourists for the way it has resisted corrosion through the last 1600 years. The pillar may originally have been located elsewhere. As the inscription on it says that it was placed on a hill called Vishnupad, it may have been shifted to this location during Tomar times. The pillar is considered to be a tribute to Lord Vishnu, the patron deity of Gupta kings. It is believed that the wonderfully crafted capital was once crowned by a figure of Garuda, that is Vishnu's carrier. The pillar is said to have resisted corrosion because of its pure composition of iron, high presence of phosphorus, and the method of casting. Attached to Quwait-ul-Islam Mosque is the site where restoration has been undergoing as of now. So guys, आज की साइट सीन हो चुकी है खत्म. एंड अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो इट वाज नॉट समथिंग आई हैवंट सीन, बट इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आई हैव गैदर्ड रिगार्डिंग दिस साइट, इट वाज डेफिनेटली एन ऐड ऑन. सो आपको भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक नहीं पता थी एंड इस वीडियो के थ्रू पता लगी, डू कमेंट इट डाउन. सो अभी हम चलते हैं एग्जिट गेट की तरफ. सो गाइज, आज की वीडियो को यही एंड करते हैं. एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना. And in case you have missed our previous videos about Museum of Illusion and National Museum, तो उसका लिंक आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, so do watch it out. So मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. Till then, peace out.